हेलो एवरीवन यू आर वेलकम इन डी एस एम लर्निंग क्लास दिस इज धनपाल सर आज हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार कहानी है बहुत ही मोरल कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इस कहानी का जो नाम है वो है द बर्ड विद टू हैड्स द बर्ड विद टू हैड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस स्टोरी से हमको मॉरल एजुकेशन भी मिलने वाला है तो इस स्टोरी को चलिए हम वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन ट्रांसलेट करते हैं तो चलिए हमारी स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं वंस देयर लिव्ड एन बर्ड टू हेड्स यानी कि एक बार वंस यानी कि एक बार टू हेड्स यानी कि दो सिर वाला पक्षी बर्ड विथ टू हेड्स यानी कि दो सिर वाला एक पक्षी अनयूजुअल यानी होता है असाधारण या असामान्य लिवड यानी कि रहता था यानी कि एक समय एक असाधारण पक्षी जिसके दो सिर थे वो रहता था इट अ रियल वंडर रियल एने होता है वास्तविक वंडर एने होता है आश्चर्य टू लुक एट द बर्ड फ्लाइंग फ्लाइंग बर्ड यानी कि उड़ता हुआ तो ईट अ रियल वंडर टू लुक एट द बर्ड फ्लाइंग यानी कि उड़ते हुए पक्षी को देखना लुक एट की तरफ देखना यानी कि उड़ते हुए पक्षी की तरफ देखना एक वास्तविक आश्चर्य था एंड इट वॉच इवन मोर वास टू वॉच इट इट और इसे इट यानी खाते हुए और इसे खाते हुए देखना और भी ज्यादा आश्चर्यजनक था इवन एन एंड इट वॉच इवन मोर वन ड्रस टू वॉच इट इट और इसे खाते हुए देखना और भी ज्यादा आश्चर्यजनक था द बर्ड हेड द हैबिट ऑफ इटिंग डिलीशियस फूड विथ हिच राइट हैड यानी कि जो पक्षी जो था बर्ड जो था उसमें हेड द हैबिट उसमें आदत थी ऑफ इटिंग खाने की डिलीशियस फूड यानी कि स्वादिष्ट भोजन डिलीशियस फूड स्वादिष्ट भोजन विद हिज राइट हेड यानी कि उसका जो राइट हेड जो था दाहिना जो सिर था उसे डिलीशियस फूड खाने की आदत थी एंड ऑर्डिनरी फूड ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य भोजन साधारण भोजन एंड ऑर्डिनरी फूड विद हिज लेफ्ट हेड और उसका जो बाया हेड जो था लेफ्ट हेड जो था उसे ऑर्डिनरी फूड खाने की आदत थी यानी कि दो सिर वाला जो पक्षी था उसके दोनों सिरों को अलग अलग खाने की आदत थी वन डे द लेफ्ट हैड द राइट कि एक दिन लेफ्ट हेड ने राइट right हेड से कहा कि डियर राइट हेड यानी कि प्रिय राइट हेड वाई कांट यू स्पेयर सम डिलीशियस मील मिलन भोजन फॉर मी टू स्वेलो स्वेलन खाना यानी कि निगलना डिलीशियस एन होता है स्वादिष्ट तो डियर राइट हेड यानी कि प्रिय राइट यू है छोड़ना सम डिलीशियस मील फॉर मी टू स्वेलो यानी कि तुम मेरे लिए खाने के लिए स्वादिष्ट कुछ स्वादिष्ट भोजन क्यों नहीं छोड़ते ने छोड़ना ये वर्ब है आई टू मे भी वांट टू टेस्ट डिली कसी यानी होता है पसंदीदा भोजन डेली कसी डेली कसी मैं भी लजीज स्वाद चखना चाहता हूं टेस्ट करना चाहता हूं जो लजीज जो भोजन है उसका मैं टेस्ट लेना चाहता हूं द राइट हैड रिप्लाइट द राइट हैड रिप्लाइट यानी कि राइट हैड जो था दाहिना जो हैड था उसने जवाब दिया व्हाट इज द पॉइंट लेफ्ट हैड वॉट इज द पॉइंट वाट इज द पॉइंट क्या बात है लेफ्ट हैड आल फूड इज गोइंग ओनली टू वन स्टोमक आल फूड इज गोइंग ओनली टू वन स्टोमक यानी कि सारा जो भोजन है वो एक पेट में ही एक पेट में तो ही जाता है यानी कि सारा जो भोजन जो खाते हैं दोनों सिर वो एक पेट में ही जाता है वन स्टोमक ट इट ऑर्डिनरी थिंग्स तुम तो केवल ऑर्डिनरी थिंग्स यानी कि सामान्य भोजन ही खाते रहो यू जस्ट इट ऑर्डिनरी थिंग्स द लेफ्ट हैड टेरी सेड से दुखी होना तो द लेफ्ट हैड टेरी सेड जो लेफ्ट हैड जो था वो बहुत ही उदास हो गया दुखी हो गया इट वॉच अ ड्राउट सीजन इट वॉज सीजन ड्राउट सीजन होता है अनावृष्टि का मौसम या सूखा मौसम तो इट वॉज अ का समय था फूड वाज़ वेरी रेयर रेयर यानी होता है मुश्किल से मिलना रेयर विलक्षण तो फूड वाज़ वेरी रेयर यानी कि अब भोजन मिलना मुश्किल हो गया था कठिन हो गया था देयर वर नो एनिमल्स एट साइट देअर वर नो एनिमल्स एस साइट एस दिखाई देना यानी कि कोई जानवर भी दिखाई नहीं देते थे नहीं कोई एनिमल्स जो है वो इधर उधर नजर नहीं आते थे द बर्ड सा वाइल्ड ट्री विथ सम फ्रूट्स द बर्ड पक्षी ने देखा सा सी का सेकंड फॉर्म सा वाइल्ड ट्री जंगली पेड़ विद समूट्स कुछ फलों के साथ एने पक्षी ने कुछ फल लगा हुआ एक जंगली पेड़ देखा ही फ्लू फ्लू यानी कि उड़ा देयर यानी कि वहां ही फ्लू देयर वो वहां उड़कर गया द लेफ्ट हैड सेंस्ड हेड यानी कि बाएं सिर को ये लगा द लेफ्ट हेड सेंस्ड यानी उसकी समझ में आया ज्ञान इंद्रिय से पता चला देर द फ्रूट वॉज पॉइजनस यानी कि जहरीला कि कि फ्रूट जो है वो जहरीला है, है। right hunger, और राइट right हेड जो था उसको बहुत भूख लग रही थी जस्ट हंगर जस्ट द हंगर द राइट हेड वाज फीलिंग जस्ट द हंगर और राइट right हेड जो था उसको बहुत भूख लग रही थी महसूस हो रही थी हंगर यानी भूख नाउन है ईट वाज अबाउट टू ईट द फ्रूट यानी कि वो फल को खाने ही वाला था इट वॉज अबाउट टू वाला वाली इट वाज अबाउट टू ईट द फ्रूट वो फल को खाने ही वाला था बट द लेफ्ट हैड स्टॉप डट किंतु लेफ्ट हैड ने उसको स्टॉप कर दिया रोक दिया एंड सेड और उससे कहा स्टॉप राइट हैड स्टॉप राइट हैड यानी कि राइट हैड, हैड रुक जाओ यू विल किल तुम हम दोनों को मार दोगे यू विल किल यानी कि तुम हमें मार दोगे की लेना होता है जान से मारना दिस फ्रूट इज पॉइजनस यानी कि दिस फ्रूट यह फल पॉइजनस जहरीला है दिस फ्रूट इज पॉइजनस यानी कि यह फल जो है जहरीला है लुक बिलो नीचे देखो द ट्री वृक्ष के लुक बिलो द ट्री पेड़ के नीचे देखो You will find bones. Bones होता है हड्डियाँ ऑफ मैनी एनिमल्स यानी कि तुम्हें कई मैनी एनिमल्स कई जानवरों की हड्डियाँ दिखेंगी द राइट हैड लुक्ड डाउन द राइट है राइट हेड ने नीचे देखा यानी कि दाइने हेड ने नीचे देखा टू विटनेस दूथ ट्रूथ सच्चाई विटनेस एन गवाह के रूप में पता लगाने के लिए राइट right हेड ने सच्चाई का पता लगाने के लिए नीचे देखा लुक डाउन फ्रॉम देन ऑन फ्रॉम देन ऑन उसके बाद से फ्रॉम देन ऑन उसके बाद से द राइट हैड गेव इक्वल चांस इक्वल चांस यानी कि बराबरी का मौका द राइट हैड गेव इक्वल चांस यानी कि राइट हैड ने उसको बराबरी का मौका दिया फॉर द लेफ्ट हैड यानी कि लेफ्ट हेड को बाएं हेड को बराबरी का मौका वो देने लगा आल्सो इन ऑल थिंग्स सभी चीज़ों में और उसके बाद से तो फ्रॉम देन ऑन द राइट हेड गेव इक्वल चांस फॉर द लेफ्ट हेड आल्सो इन ऑल थिंग्स और उसके बाद से राइट right हेड जो है वो लेफ्ट हेड को सभी चीज़ों में भी बराबरी का इक्वल चांस बराबरी का मौका वो देने लगा और इसका जो मोरल है यानी कि इससे हमको जो नैतिक शिक्षा मिलती है वो है पेरियलिटी इज पेन पेरियलिटी इज पेन यानी होता है कि जो पेरियलिटी यानी कि असमानता यानी कि पक्षपात करना वो क्या है एक तरह का पेन कष्ट है यानी पक्षपात करना एक तरह का कष्ट है एक तरह की पीड़ा है तो ये हमको नहीं करना चाहिए तो इस कहानी तो फ्रेंड्स इस कहानी में रिलेटेड जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए थे कि वो नाउन है एडजेक्टिव है प्रोनाउन है तो इन वर्ड्स का शॉर्ट वीडियो है तो उसमें आप इनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखिए और उनको लर्न करिए आई होप कि ये स्टोरी पसंद आई होगी यदि ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए शेयर करिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो इससे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इंग्लिश सीखने के लिए मैं आपके लिए लाता रहूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो